अबे दो दो कैसे लैंड होगा, ये क्या चालू है, ये कौन से नखरे? हेलो ओए भाई, ये देखो ना क्या काम करता, क्या बड़ा है ये। वापस एक बार हम लोग आ चुके हैं अपनी दुबई सिटी में। पिछली बार आप देख सकते हो गाइस, हम लोगों ने ये ऊंचा सा बुर्ज खलीफा बनाया था एंड इसके आजू बाजू में मस्त से बिल्डिंग्स भी लगवाई थी। और यहाँ पे दोस्तों अपने पास है बड़ी सी इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, जिसके वजह से यार अपने पास इतना सारा पैसा है। कितना है यार, 11 मिलियन डॉलर्स है। ये देखो ऑयल पंप्स मस्त काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी ऑयल की अलग सी फैक्ट्री है, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है। बट इशू ऐसा है ना, इसमें मेटल की कमी है। मेटल मिलता है गाइस अपने को पत्थर तोड़ के, लिटरली पत्थर तोड़ने। अपने को ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, यहाँ से हम लोग पत्थर निकालेंगे एंड यहाँ पे बना देंगे नई और एक इंडस्ट्री, जिससे अपने पास और भी पैसा होगा। भाई पैसों के भूखे हम लोग, क्योंकि दुबई बनानी है, काफी पैसा लगता है उसमें। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। पहले मैं इस वाली चीज से देख लेता हूँ कि कहाँ पे और है। और का कलर है अपना ये ब्लू ब्लू कलर, तो आई थिंक यहाँ पे मस्त अच्छा खासा है। गाइस यहाँ पे भी हम लोग बनवा सकते हैं लाइक सिटी के ये साइड, बट बुर्ज खलीफा के आसपास अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग सिटी के दूसरे साइड ही रखने वाली पूरी की पूरी इंडस्ट्री। तो अब पेंट करते इंडस्ट्रियल एरिया एंड आई डोंट थिंक मुझे ज्यादा एरिया लेना चाहिए लाइक। एंड कुछ चीजें करने वाला हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बता दूँ तो देखो कैसा रहता है ना, जो खदान होती है वो काफी नीचे होती है, ठीक है। तो खदान है उसके लिए ऐसा नीचे गड्ढा करने वाले, काफी ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे गड्ढे हैं, तो ऐसा मजा आएगा ना, मजा आएगा। काफी बढ़िया खदान होने वाली है अपनी, ऑनेस्टली बोलता हूँ मैं। इसके बाद कोई भी जो खदान होती है गाइस, वहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं होते, तो हम लोग क्या करेंगे, डर्ट रोड्स का काफी इस्तेमाल करने वाले, नॉर्मल रास्तों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऐसा फील मस्त आएगा यार। अभी ये अगर खदान में नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए अपने को अलग से रास्ता चाहिए, ऐसा ऐसा फील आ रहा है ना दोस्तों। अब तो लग रहा है कि भाई नीचे नीचे गया है रास्ता, वाओ खदान में नीचे जाने के लिए रास्ता यार। पहले ओल्ड इंडस्ट्री की हम लोग मेन बिल्डिंग बनवा लेते हैं। भाई मेन बिल्डिंग तो हम लोग भूल ही गए थे, तो इसको इंडस्ट्री के अंदर बनवाना पड़ता है। ये बन गई इंडस्ट्री की बिल्डिंग, अच्छा रास्ता बनवा लेते हैं ऐसा। तो बढ़िया लग रहा है यार, दिखने में ऐसा लग रहा है भाई कि खदान का ही रास्ता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कोई ऐसा नॉर्मल सा रास्ता है। भाई लग रहा है कि खदान का रास्ता है, नीचे जाना है ऊपर आना है। फर्स्ट माइन में यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एक्चुअली दो प्लेस करते ना, दो माइंस इनफ हो जाएगा आई थिंक। ये देखो यहाँ पे मस्त खोदने लग गए लोग, देन अपने पास और ग्राइंडिंग मिले, ये ग्राइंडिंग करता है काफी ज्यादा पत्थरों की, काफी मजा आने वाला है यार ये सब करने में। एक मिनट, थोड़ा पानी वगैरह चाहिए इनको। ये है क्या बोलते हैं, स्टोरेज वाली जगह, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए जगह मस्त। भाई क्या बन गया है देखो ना यार, एक और रास्ते का कनेक्शन बनवा लेते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, थोड़ा इजी जाएगा। एंड प्लस एक और यहाँ पे अपना जो कार्गो का ये रहता है, कार्गो ट्रेन का, वो भी लगवा लेते मस्त। कार्गो टर्मिनल लग गया मस्त से, रेल्स कनेक्शन। ये देखो यहाँ से मेटल्स बनते हैं, तो हम लोग ये बड़ी वाली फैक्ट्री में भी अभी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक लिटरली इसको स्टार्ट कर देते, ऑन कर दे। चल ये स्टार्ट हो गया क्या, लेकिन ये सब काम करना है इन लोगों से। अरे बंदे काम कर रहे, ये देखो यहाँ पे अबे, लेकिन जमीन से उठा उठा के डाल रहा है क्या पत्थर। काफी बढ़िया दिख रहा है यार, दिखने में काफी बढ़िया दिख रही है खदान। ये देखो बड़े बड़े से ट्रक्स अभी आ रहे हैं, लोड हो जाएंगे ट्रक्स एंड वापस यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, मेटल्स वगैरह बन जाएंगे। अच्छा मेटल्स बन रहा है अभी, तो अपने को यहाँ से भी प्रॉफिट मिल रहा है। 2600 का मटेरियल गया, 8000 प्रॉफिट। इसको फुल पावर पे लगा दो भाई, फुल पावर पे लग जाए। जो ओल्ड ग्राइंडिंग वाला है ना, ये एक और बनवा दिया मैंने मस्त सा। ये देखो क्या क्या हो रहा है, देखो ना यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ से मस्त ग्राइंडिंग चालू है, यहाँ पे स्टोरेज चालू है उसका, मिट्टी लग रही है मुझे, स्टोर हो रही है यहाँ पे मस्त। ये देखो ये इंडस्ट्री अभी अपनी बढ़ने लग गई, इसको लेवल 5 तक लेके जाना है। बस वर्कर्स की वगैरह कमी है यहाँ पे, देखो वर्कर्स सब कुछ है, मतलब लोग है बट लोग और भी चाहिए अपने को यहाँ पे काम करते हुए। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और सोलर पावर प्लांट ही एड कर देता हूँ, ठीक है, उतना इनफ हो जाएगा मे बी। ओ एक और चीज तो हम लोग भूल ही गए दोस्तों, तो ये वाला जो है, तो इसका आजू बाजू मस्त सी बिल्डिंग्स है और ये नीचे ऑफिसेस है, बट मुझे ये अलग टाइप के ऑफिसेस चाहिए। तो मेरे पास एक मस्त सा आइडिया है, मैंने देखा था कि इसको हम लोग और भी बढ़िया टाइप का कैसे कर सकते हैं।
आई थिंक यहाँ पे कहीं पे वो, इसमें क्लिक किया आईटी क्लस्टर पे मैंने, तो अब देखना कैसे बिल्डिंग्स इसके आजू बाजू में बन जाती है। ये भी देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है और दिखने में भी काफी मॉडर्न बिल्डिंग है ये वाली। क्या टावर्स बन रहे यार मस्त मस्त से, काफी अलग अलग टाइप के बन जाएंगे यहाँ पे। जैसे जैसे ये वाला एरिया अपग्रेड होगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पे भी यार वही दिक्कत है वापस से, क्या बोलते हैं अपना ट्रैफिक का दिक्कत मुझे नहीं लगता कभी सॉल्व होने वाला है, तो इस पे थोड़े टाइम के लिए हम लोग फोकस करेंगे नहीं। ये देखो ना कूड़े वाले ट्रक की लाइन लगी पड़ी है भाई। गाइस एक और गलती मुझे लगता है मैंने सिटी में की वो है कि ये देखो काफी सारी बिल्डिंगें बहुत क्लोज क्लोज हो जाती है, तो मुझे बिल्डिंगों के बीच में गैप रखना चाहिए था। तो हम लोग जो नया वाला एरिया बनाएंगे अभी कोई भी उधर वैसा ही करेंगे, बहुत सारा गैप रखेंगे बीच में। मे बी ये साइड बन सकता है अपना नया एरिया। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मेयर, जस्ट अनाउंस दैट आवर ब्यूटीफुल सिटी वन द मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी अवार्ड। भाई एक लाइक हो जाए आपके लिए मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी के लिए भाई, सीरियस। चलो लेवल 2 हो गया अपने ये वाले और इंडस्ट्री का, तो हम लोग वो भी अभी सॉल्व करते, सॉल्व इन द सेंस की और भी चीजें इसमें लगवा लेते मस्ती। जैसे कि ये देखो फास्ट मस्त वाली और माइंस आ गई अपने पास, तो और माइंस यहाँ पे 2-3 लगा देता हूँ, मस्त हो जाएगी, 3 इनफ हो जाएगी आई थिंक। ये देखो ये मस्त माइंस है, ये एक्चुअली में अंदर जाती है, लाइक लिटरली ऐसे अंदर जाके ये लोग निकाल रहे हैं यहाँ से ओल्स। ये वाली काफी बढ़िया लग रही है अब लोगों को रहने के लिए। यहाँ पे बैरक से ये भी लगवा लेता हूँ मैं मस्त। ग्लास बनवाने की एक फैक्ट्री, ठीक है ग्लास बनता है इससे, तो हम लोग इसको क्या करते हैं इसको यहाँ पे लगवा लेते हैं, 2 फैक्ट्री आई थिंक इनफ हो जाएगी। तो यहाँ से मस्त माइन से निकलेगा और यानी कि मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक आयरन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड नहीं मिलेगा शायद से, गोल्ड मिलता तो काफ़ी पैसा मिलता तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। क्या मस्त स्टोर होता है यार, क्या दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है, मज़ा आ रहा है ये देखते हुए। और इसके बाद ये लोग आगे जाएंगे, ये वाली फैक्ट्री में देंगे या फिर अगले वाले फैक्ट्री में लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ग्लास बन रहा है, ये देखो ओल से ग्लास बन रहा है, मतलब सैंड वगैरह से ग्लास बनता है भाई, क्या बढ़िया चीज़ है ये भी। बट एक खतरनाक सी चीज़ मेरे पास नहीं आई है, वो मुझे यूज करके देखनी है, कहाँ गया यार। एयर ट्रांसपोर्ट पे अपने पास हेलीकॉप्टर डिपो है, या हेलीकॉप्टर डिपो दोस्तों, हेलीकॉप्टर डिपो लगने वाला है, हेलीकॉप्टर से लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे। ये लग गया हेलीकॉप्टर डिपो, हेलीकॉप्टर स्टॉप लगाते एक दो जगह पे, लोग हेलीकॉप्टर से आने वाले, ठीक है हेलीकॉप्टर से आने वाले भाई, मुझे हंसी आ रही है सोच के ही। यहाँ से यहाँ पे जाएगा वो, तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे हेलीकॉप्टर। अब इसका हेलीकॉप्टर का हम लोग लाइन बनाने वाले, यहाँ पे दिख रहा है दोस्त, अभी कहाँ गया यार थोड़ा सा, ये देखो क्या दिख रहा है, ये देखो अभी क्या बढ़िया दिख रहा है हेलीकॉप्टर। एक मिनट इसके अंदर जाके हम लोग देखते क्या करता है, ये उड़ रहा है हम लोग हेलीकॉप्टर, अभी इतने सारे हेलीकॉप्टर आ गए अपने साथ। अच्छा हवा में रुका है, मैं डर गया दोस्तों, क्या कर क्या रहा है ये। तो फिर ये नीचे उतर जाते हैं, लोग यूज भी करते क्या इसको, पर लोग जाते हैं हेलीकॉप्टर से यहाँ वहाँ, सीरियसली। अच्छा 20 की कैपेसिटी हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का मॉडल भी चेंज नहीं कर सकते हम लोग, एक ही मॉडल है अपने पास, पैसेंजर हेलीकॉप्टर। भाई लगा नहीं था कितने सारे लोग यूज करने लग गए देखो हेलीकॉप्टर अपने। ये हो गई असली दुबई वाली बात, लाइक लिटरली लोग आ जा रहे हेलीकॉप्टरों में यहाँ से वहाँ। ये थोड़ा सा अमीरों वाला एरिया है, ये देखो यहाँ पे ज्यादा लोग बड़े लगा था मुझे, जो अमीरों वाला एरिया है वहाँ पे ज्यादा लोग खड़े। 200 लोग रेडी है हेलीकॉप्टर से जाने में एक टाइम पे, 10 एटलीस्ट हेलीकॉप्टर भेजने पड़ेंगे। और ये इशू क्या ना पता है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। अबे दो कैसे लैंड होगा, ये क्या चालू है, ये कौन से नखरे है, बहुत गंदी जगह है। लोग भाई काफी आलसी, इनको फटफट एक जगह से दूसरे जगह जाना है। ये छोड़ो अपनी जो और इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी अपग्रेड हो चुकी है, तो इसको और भी अपग्रेड कर देते हम लोग। इसको मैं लगा देता हूँ ये साइड कहीं पे, दिखने में काफी बढ़िया दिखना चाहिए यार, ये मेरा ख्याल है। तो ये देखो क्या दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है देखो, मस्त काम कर रही यार ये ओल्ड माइंस, मुझे काफी पसंद आ गई। काफी बढ़िया एरिया मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब भी मैं क्या करूँगा पता है क्या, इस बार दोस्तों इस बार हम लोग काफी सोच समझ के एरिया प्लान करेंगे, लाइक लिटरली बोलता हूँ मैं, काफी जगह रखने वाला हूँ मैं बिल्डिंग्स के बीचों में। पहले क्या किया था मैंने, गलती से काफी कम जगह रखी थी, तो ऐसा करूँगा मैं। देखो 4 यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी, तो इसके आजू बाजू की काफी सारी जगह मैं ऐसे एम्प्टी रखूंगा, सेम हियर। ये देखो दोस्तों अभी क्या लग रहा है ये एरिया, मतलब काफी सारे पेड़ पौधे हो गए, बैम्बू के पेड़ है,
लोग आराम से चल के जा सकते हैं, यहाँ पे बाइसिकल चला के लेके जा सकते हैं। ये देखो, देख सकते हो लोग साइकिल से यहाँ आ जा रहे हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इनको। देखो ये साइकिल से जा रहा है ना, इसको देखते हैं ये कैसे जाता है, मस्त सिटी में कैसे जाता है। देखो क्या पेड़ पौधे, छाव में आराम से जा रहा है बंदा, क्या ऊंचे ऊंचे पेड़ यार, ऐसा लग रहा है जंगल से जा रहा है। ये रहने की जगह ये जंगल है भाई। और ये वाला देखो, पूरे सिटी में ये सबसे हरियाली वाला स्पॉट दिखने लग गया, एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया है। लेवल 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, फाइनल लेवल बचे बस इसके। लार्ज ओवर माइन मिली है, लार्ज वाली माइन कितनी बड़ी है भाई। बस मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग बाद में ना एक फॉरेस्ट इंडस्ट्री भी बनवा लेंगे यहाँ पे, काफी पास में बनवा सकते हैं यहाँ पे। एंड ये सारी की सारी तीनों इंडस्ट्रीज कनेक्ट हो जाएगी एकदम, और इवन फार्मिंग की इंडस्ट्री भी यहाँ पे बन सकती है छोटी मोटी। तो अपनी सारी की सारी इंडस्ट्रीज एक ही साइड पे आ जाएगी बड़ी सी, काफी बढ़िया बात हो जाएगी ये अपने लिए। ये एक इंडस्ट्रियल स्टील प्लांट जो कि मेटल को कन्वर्ट कर देता है, गाइस प्लस 1 लाख पर वीक। भाई कुछ ज्यादा ही पैसा कमा रहा हूँ मैं अपनी सिटी से। गाइस आई थिंक एक और चीज मुझे करनी चाहिए यहाँ पे, वो ये है कि एक मैं बना देता हूँ नॉर्मल सा रेसिडेंशियल एरिया यहाँ पे, जो कि थोड़ा लो डेंसिटी होगा और जहाँ पे लोग बाकी रहने के लिए लो डेंसिटी, तो लोग रहने आएंगे यहाँ पे और ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सिर्फ काम पे ध्यान देंगे। तो ये वाला एरिया आ जाएगा अपने सारे के सारे इंडस्ट्रीज के बीच में, इसको थोड़ा सा एक्सपांड भी कर दूंगा मैं। तो ये वाले लोग ही क्या करेंगे, इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे। काफी ज्यादा हाई डेंसिटी बनने लग गई अपनी ये सिटी। एक मिनट, किसी को भाई हेल्थ केयर की कमी पड़ रही है क्या? साफ सफाई वाली कुछ चीजें डालता हूँ मैं इसमें, ये थोड़ा सा शायद से पानी ये सही कर देगा। फाइनली 5th लेवल पे पहुंच चुकी है अपनी माइनिंग का जो एरिया है, माइनिंग की इंडस्ट्री है वो पहुंच चुकी है। तो इसमें क्या अपने को मिल रही है, बड़ी सी चीजें कुछ भाई कतरदाक सी, 3 लगा देते भाई, बढ़िया हो जाएगा एकदम। साथ ही में अपने पास है फाइबर ग्लास प्लांट, ये क्या चीज है, ये देखो दोस्तों अभी जो चीज लगाई है खतरनाक सी भाई, ये देखो ना क्या काम करता, क्या बड़ा ये। यहाँ पे कैसे ट्रैफिक हो गया कुछ आइडिया नहीं आ रहा यार, इतना ट्रैफिक कैसे हो सकता है कोई जगह पे भाई। ये है अपनी खदान बड़ी सी, अब भी देखो यार कैसी दिख रही है, लोग आ रहे जा रहे आराम से। ये देखो बड़ी बड़ी मशीनें भाई, ये वाली मशीनें कुछ ज्यादा ही बड़ी, ये देखो ना कैसे खोद रही है, काफी ज्यादा बड़ा ऑपरेशन है ये। और अपना भाई पैसा ही पैसा हो रहा है दुबई सिटी में, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ी बनाने वाले गाइस ये सिटी को ना, ये वाले आइलैंड पे भी हम लोग कुछ बनाएंगे। देखो उसका भी नीचे कमेंट में बता सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, अम्यूजमेंट पार्क, जू बनना चाहिए, या सिर्फ एक नॉर्मल सा पार्क बनना चाहिए, या कुछ और बड़ी सी चीज बना दूं मैं। आप गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में सजेशंस देते रहो मुझे, क्या क्या ऐड करना चाहिए अपनी दुबई सिटी में। बुर्ज खलीफा तो ऐड हो चुका है, जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स होते हैं वो भी ऐड करेंगे, काफी सारी चीजें ऐड करने को बचे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।